जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RVL में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम 31 जुलाई को आपके लेखपाल के लगे हैं, उसके बाद वन रक्षक के, फिर उसके बाद आपके UP SSSC BDO के एग्ज़ाम होने हैं, उसके बाद आपके पुलिस के होने हैं, ठीक है, और उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर सभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होने वाले सबके लिए ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि दोस्तों इसमें हम करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं, टोटल 120 क्वेश्चन, वो भी उत्तर प्रदेश स्पेशल के, ठीक है। ओनली उत्तर प्रदेश के हम 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इसमें हम पूरे के पूरे 120 क्वेश्चनों का महामाराथन देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपसे यही कहेंगे कि पूरी क्लास देखिएगा, और इसका PDF भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों ज्ञान RVL ऑफिशियल। क्या? ज्ञान RVL ऑफिशियल, दोस्तों ठीक, ऑफिशियल लगा लीजिएगा, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी, पूरी क्लास देख लीजिएगा। क्योंकि हम देखिए हैं तो क्वेश्चन 120 ही, मगर दोस्तों कहीं ना कहीं आपको लेकर के लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास इसमें हम आपके क्लियर करा देंगे, ठीक है। एक बार देख लेंगे और एक बार PDF से आप देख लेंगे तो आपका एकदम पक्का हो जाएगा, ठीक, कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और आपको बता दें, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए, देखिए ये आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट UP SSSC पेट 2022 क्लासेस। यहाँ हम पेट के संपूर्ण कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक। उसके अलावा स्टैटिक जीके आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये वाले प्लेलिस्ट पे आप जाइएगा, स्टैटिक जीके 2022 UP SSSC पेट वीडियो वन रक्षक पुलिस सबके लिए। और देखिए UP SSSC वीडियो और वन रक्षक के लिए हम लेकर आए हैं संपूर्ण हिंदी क्लास, जिसमें उन्होंने पत्र लेखन भी पढ़ा दिया है, तो ये पढ़ सकते हैं पूरी डिटेल वीडियो दोस्तों हिंदी के लिए, ठीक, आप लोगों के लिए साथियों, ठीक। और पुलिस के लिए आप ये वाली वीडियो पढ़ सकते हैं संपूर्ण हिंदी के लिए, ठीक है। और UPS फसल दोस्तों हमने बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़ाया है, तो आप इसे देख सकते हैं, बहुत ही फ़ायदा करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, 120 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर से। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चन कलेक्ट करने में, ठीक, इनको सर्च करने में और आपके लिए लेकर आने में, तो मेहनत वाकई लगती है। तो एक बार आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सकता है तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश की पहली टॉय ट्रेन चलाई जा रही है दोस्तों, कहाँ चलाई जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए। टॉय ट्रेन क्या होता है दोस्तों, आपको घुमाएगी, ठीक है, इस पर बैठ के आप लोग दोस्तों भ्रमण कर पाएंगे, किसका? दुधवा नेशनल पार्क। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, इसका भ्रमण कराया जाएगा। कहाँ है दोस्तों, तो मुख्यतः ये लखीमपुर खीरी में ही स्थित है, और लखीमपुर खीरी क्या साथियों आपको पता होगा ये अपने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। तो याद रखेंगे टॉय ट्रेन कहाँ जाएगी साथियों, तो आप टॉय ट्रेन का आनंद कहां ले सकते हैं, दुधवा नेशनल पार्क में साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली रीजनल ट्रांजिट रैपिड ट्रेन कहां चलाई जा रही है साथियों, तो याद रखेंगे भारत की पहली रीजनल ट्रांजिट रैपिड रेल सेवा कहां शुरू की जाएगी, तो दोस्तों दिल्ली से मेरठ के बीच, ठीक है, कहां से? दिल्ली से मेरठ के बीच साथियों, आप याद रखेंगे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ तक जाएगी, ये 82 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है, ये दिल्ली और यूपी के बीच चलेगी, ठीक, यूपी में कहाँ तक के बीच, तो मेरठ के बीच, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, पूछा सकता है क्योंकि ये भारत की पहली है, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया साथियों, तो आपको पता होगा कि अपने उत्तर प्रदेश में कहाँ पर सोचते हो कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों, अंतर्राष्ट्रीय कर लेना, ठीक है, कौन सा है? जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ पर है, तो ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में साथियों, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। और विश्व की विश्व का ये सबसे बड़ा पांचवा हवाई अड्डा कौन सा है, पांचवा, सबसे बड़ा पांचवा है, और दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा है कहां, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछेगा साथियों कि भारत के किस प्रदेश में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं साथियों, तो आपका अपना प्यारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जहां पर सबसे ज्यादा हवाई अड्डे कितने हैं, तो पांच हैं, कितने हैं, पांच है दोस्तों, इससे आप बता दें थोड़ा सा इससे कम कहां है, तो केरल में, ठीक, दूसरे नंबर पर केरल है, तो कौन कौन से पांच है उनके नाम बता दूं, पहला है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको अमौसी के नाम से भी जानते हैं, कहां पर है, लखनऊ में, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
वाराणसी में, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बाबतपुर हवाई अड्डा के नाम से, और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, कुशीनगर में। दोस्तों इनमें से सबसे लंबा रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा, कुशीनगर, ठीक है। और तीसरा है, चौथा साथियों, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि सबसे बड़ा हवाई अड्डा है अपने एशिया का, ठीक, कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में। और दोस्तों पांचवा बन रहा है आपका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ, अयोध्या में। तो यार रखेंगे अयोध्या, गौतम बुद्ध नगर, कुशीनगर, वाराणसी और लखनऊ मेरे साथियों। तो ये हो गए आपके पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला पहला आपका राज्य बन गया, कौन सा, अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। कितने हैं तो पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। चलिए अगला साथियों कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का लोगो क्या है, तो आपको पता होगा अपने यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, सारस। तो दोस्तों जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोगो क्या है, सारस है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आपका है दोस्तों, देश में लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम संचालित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा, तो अपना ये उत्तर प्रदेश ही होगा दोस्तों। लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम संचालित, जिससे दोस्तों दुर्घटनाएं कम होंगी, ठीक है, तो ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश आपका पहला राज्य बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा है, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, क्या नाम रखा है, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन दोस्तों झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रखा है यूपी गवर्नमेंट ने, ठीक है। चलिए इसके अलावा आपको पता है कि इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रखा गया है, मुगल सराय का नाम बदल के क्या रखा गया, दीनदयाल उपाध्याय, और फैजाबाद जिले का नाम बदल के अयोध्या किया गया है, ठीक है। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म कहां स्थापित किया जाएगा दोस्तों, ये नोएडा में। देखिए ये क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म क्या होता है साथियों, ये जब कभी आग लगी ना तो ऐसा दोस्तों इसको खोलते चले जाएंगे, ठीक है, और सबसे ऊंचा बन जाएगा, जिससे दोस्तों जहां पे आग लगी दोस्तों उसको आसानी से बुझाया जा सकेगा, ठीक है। चलिए कोई प्लेटफॉर्म मतलब स्टेशन से मतलब नहीं है इसका, समझ रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म क्या होगा, सबसे ऊंचा ये नोएडा में विकसित किया जाएगा। अगला है, भूजल सर्वाधिक दोहन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, दोस्तों भूजल सर्वाधिक दोहन करने वाला राज्य कौन सा बना है, तो अपना उत्तर प्रदेश ही भूजल का सर्वाधिक दोहन करने वाला, सर्वाधिक खर्च करने वाला राज्य बना है। अगला है कि हाल ही में किस जनपद में सीता झील को निर्मल बनाने का काम शुरू किया गया है, आपको पता होगा अयोध्या, ठीक है। अयोध्या में क्या किया गया साथियों, एक सीता झील है दोस्तों जो कि मतलब कि प्रदूषित हो चुकी थी, जिसे निर्मल बनाने का काम किया जा रहा है, याद रखें कहाँ है, अयोध्या में, अयोध्या नगरी, राम श्री की अयोध्या नगरी साथियों, और याद रखेंगे अयोध्या नगरी के बारे में, ठीक है। किस नदी किनारे है दोस्तों, सरयू नदी किनारे, किस नदी किनारे, सरयू नदी किनारे आपकी अयोध्या स्थित है। चलिए अगला है, यूपी जल मिशन, ठीक है, यूपी जल जीवन मिशन के तहत दोस्तों हर घर नल योजना को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो 2024 तक दोस्तों हर घर नल योजना का प्रारंभ किया जाएगा ना, मतलब कि पहुंचा दिया जाएगा हर घर में दोस्तों नल पहुंचा दिया जाएगा 2024 तक। और साथ ही इसकी शुरुआत कहां से की गई, तो बुंदेलखंड से, कहां से, बुंदेलखंड से दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है, याद रखेंगे, ठीक है। और यहीं पर मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, हर घर जल पहुँचाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, दोस्तों गोवा बन गया, गोवा हर घर राज्य जल पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया, और हर घर घर दोस्तों एलपीजी पहुंचाने वाला, ठीक है, कौन सा बना है, तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, क्या बना है, हिमाचल प्रदेश। तो इन चीजों को भी याद करते हुए चलेंगे। और रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है, तो वो भी गोवा बन गया। अगला है कि उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद, आपको पता होगा कि हर जिला यानी 75 जिला का एक एक उत्पाद चुना गया था, जिसका दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, तो कंगना रनौत, तो किसको साथियों, कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर इसका नियुक्त किया गया। अगला है कि ट्रांसजेंडरों के लिए दोस्तों पहला गरिमा ग्रह कहाँ स्थापित किया जाएगा, साथियों आपको पता है कि ऐसा होगा, यहाँ पे दोस्तों ट्रांसजेंडर को कुछ स्किल सिखाए जाएंगे, सिलाई कढ़ाई बुनाई, फिर इनको दोस्तों नौकरी भी यहीं से दिलाई जाएगी, तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, उत्तर प्रदेश, जहाँ पर ट्रांसजेंडरों के लिए पहला गरिमा ग्रह दोस्तों, ये गरिमा से जी सके ना, ऐसा घर जहाँ पे गरिमा से रह सके, ठीक, किसी प्रकार की इनको बेइज्जती महसूस ना हो, वो आपका कौन सा राज्य बना है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहां खोला गया, कुशीनगर, याद रखेंगे कुशीनगर से। देखिए कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध ने का महापरिनिर्वाण होता है, यहीं पर उन्होंने प्राण त्यागे थे, और कुशीनगर में दोस्तों क्या है आपका
साथियों अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी तीसरा बना है, ठीक है। और दोस्तों यहीं पर ही कुशीनगर में ही ताज होटल भी खोला जाएगा। साथियों ये चीजें कुशीनगर से संबंधित जिनको आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ? कुशीनगर। साथियों अगला है कि उत्तर प्रदेश में पहला ट्रांसजेंडरों के लिए दोस्तों शौचालय कहाँ खोला गया था दोस्तों, ठीक है, तो वो भी आपका बनारस में खोला गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पहला ट्रांसजेंडर शौचालय कहाँ खोला गया? बनारस में। अगला है कि उत्तर प्रदेश में 2022 तक, आपको पता है कि 2022 तक किसानों का आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था, तो वही पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में 2022 तक किसानों का आय दोगुनी करने के लिए दोस्तों उद्देश्य कौन सी योजना का प्रारंभ किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा योजना किसानों के आय दोगुनी करने के लिए रखा गया? तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। आपसे पूछेगा कि किसानों के आय दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया दोस्तों? 2022 तक। किस योजना, कौन सी योजना चलाएगी इसको पूरा करने के लिए? तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना संबंधित दोस्तों, किससे संबंधित है अभ्युदय योजना? तो आपको याद रखना है निःशुल्क कोचिंग से दोस्तों, IAS PCS JEE इन सबके लिए दोस्तों फ्री में कोचिंग करवाई जाएगी। ये योजना कौन सी है? अभ्युदय योजना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किससे संबंधित है? तो निःशुल्क कोचिंग से, ठीक है। चलिए अगला है देश का प्रथम राज्य जिसके पास अपनी कबाड़ नीति यानी स्क्रैप पॉलिसी है दोस्तों, कौन सा राज्य बना है? वो अपना उत्तर प्रदेश ही बना। देखिए स्क्रैप पॉलिसी कबाड़ नीति क्या होती है, यानी कि इसमें कहा गया कि 15 वर्ष पुराने जो वाहन होंगे पेट्रोल वाले और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन होंगे दोस्तों, अगर बिना फिटनेस सर्टिफिकेट पे अगर सड़क पे दौड़ते हो दोस्तों, इनको कबाड़ के हवाले कर दिया जाएगा। मतलब इनका दोस्तों इतना तगड़ा चलान होगा, इनको कबाड़ के हवाले कर दिया, इनको कटवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पॉलिसी दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश में अपनाई गई है, ठीक है। तो पेट्रोल वाहन कितना? 15 साल और डीजल वाहन 10 साल पुराने नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश का दस्तक अभियान दोस्तों संबंधित, किससे संबंधित है दोस्तों? तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है? जापानी इंसेफ्लाइटिस दोस्तों। आपको पता है कि एक बार दोस्तों आपके कहां पर? तो गोरखपुर में साथियों, क्योंकि देखिए जो आपका तराई वाला क्षेत्र दोस्तों पानी से बहुत ज्यादा बीमारियां उत्पन्न होती दोस्तों, तो इसके लिए ये दस्तक योजना चलाई गई। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस और डेंगू मलेरिया डायरिया के लिए दोस्तों ये योजना चलाई गई। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन आ चुका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया दोस्तों हाल ही में? उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया दोस्तों? दो लोगों, कौन से? कल्याण सिंह, आपको पता है मुख्यमंत्री भी थे, ठीक है, और राधे श्याम खेमका दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राधे श्याम खेमका दोस्तों आपको पता होगा इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है और इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये कौन है? तो गीता प्रेस के अध्यक्ष हैं, ठीक है। गीता प्रेस कहाँ है दोस्तों? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया गीता प्रेस कहाँ है, तो ये दोस्तों आपका कहाँ है? गोरखपुर में। और देखिए गीता प्रेस है क्या साथियों? यहीं से पवित्र पुस्तकें छपती हैं। कहाँ? गीता प्रेस से। जैसे आपका रामचरितमानस हो गया दोस्तों, ठीक है, रामायण हो गया, ये सब चीज़ें कहाँ से प्रेस होती हैं, कहाँ छपती हैं? तो एक गीता प्रेस है, कहाँ पर पड़ता है ये? गोरखपुर में, वहीं से ये प्रेस छपती हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि यूपी महिला नारी सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश महिला नारी सम्मान से किसे किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? दो लोगों को, नीरजा माधव और आरती राणा जी को, ठीक है। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 में कुल कितने अवार्ड मिले हैं दोस्तों? तो आप बता दें उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 में टोटल 28 प्रकार के अवार्ड अलग अलग श्रेणियों में दिए गए हैं, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? यूपी के किस फिल्मकार की शॉर्ट फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई थी दोस्तों? आपको बता दें विवेक त्रिपाठी की शॉर्ट फिल्म है, क्या नाम है? हाईवे नाइट दोस्तों। आपको पता है ये वाराणसी के रहने वाले जिसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ राष्ट्रीय जल पुरस्कार का, इसे पहला पुरस्कार दिया गया, प्रथम स्थान वाला पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जिन्होंने हाल ही में बजट पेश किया दोस्तों, किसने? तो उत्तर प्रदेश कौन है वित्त मंत्री दोस्तों? सुरेश खन्ना। कौन है? सुरेश खन्ना दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जिन्होंने हाल ही में बजट पेश किया है, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा दोस्तों? तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का पहला टेक्सटाइल पार्क दोस्तों लखनऊ व हरदोई के बीच में दोस्तों विकसित किया जाएगा। और किस योजना के तहत? तो पीएम मित्रा योजना के तहत दोस्तों, ठीक है, पीएम मित्रा योजना के तहत दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला टेक्सटाइल पार्क साथियों कहाँ विकसित किया जाएगा? तो लखनऊ एवं हरदोई के बीच में। अगला है यूपी में पहली बार 15वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का
आयोजन किया गया है दोस्तों, कहाँ किया गया है दोस्तों? देखिए 15 में से यूपी में पहला ये कृषि आयोजन था दोस्तों, कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन था, कहाँ पर? वाराणसी यानी बनारस में। अगला है उत्तर प्रदेश से किस जिले में मॉडर्न मछली केंद्र दोस्तों, मॉडर्न मछली केंद्र, देखिए मछली उत्पादन की दोस्तों स्थापना की गई, मॉडर्न मछली केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई है? तो चंदौली। और आपको पता होगा कि चंदौली वाराणसी से काट कर बनाया गया था, किससे? बनारस से काट कर दोस्तों चंदौली जिला बनाया गया था। और चंदौली दोस्तों धान का कटोरा कहते हैं, क्या कहते हैं? धान का कटोरा किस जिले को कहते हैं? चंदौली को, ठीक है। चलिए अगला है कि हाल ही में सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ साथियों? देखिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, देखिए पहले उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे था, मगर दोस्तों कुछ समय से पश्चिम बंगाल ने ये बाजी जीत ली थी, तो याद रखेंगे अभी फिर से उत्तर प्रदेश पहला स्थान प्राप्त कर चुका है, किसमें साथियों? आपका सब्जी उत्पादन में, ठीक है। फल उत्पादन दोस्तों आंध्र प्रदेश है, और कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ, ये भी याद रख लें, कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने भौगोलिक क्षेत्रफल पर वनावरण है दोस्तों? 6.15% पे, और कितने होना चाहिए साथियों? तो 33% पर कम से कम दोस्तों वन क्षेत्र होना चाहिए, मतलब जंगल होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। और सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? सोनभद्र में। और सबसे कम वनावरण कहाँ है साथियों? क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किस रचना के लिए दिया गया? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने वाले सभी एग्जाम के लिए, तो इसको आप मोस्ट से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के की गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है किस रचना के लिए? तो रेत समाधि ना, टॉम्ब ऑफ सैंड ना, टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है, याद रखेंगे, अंग्रेजी में भी मिल सकता है तो याद रखेंगे। देखिए कौन है? गीतांजलि श्री। क्वेश्चन पूछेगा कि किसको मिला है? तो गीतांजलि श्री की रचना रेत समाधि को। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि रेत समाधि के लिए दोस्तों टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए किस कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया। कहाँ की है ये? तो दोस्तों इनका संबंध अपने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे, कैसे भी पूछेगा, आपको उसका आंसर आपको अपने हिसाब से देना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन अभी आपके हाल ही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि देश के ठीक है पहले अमृत सरोवर की स्थापना कहाँ किया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया, अभी यूपी ट्रिपल एससी के हाल ही में जो पेपर आयोजित हुए वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देश के पहले अमृत सरोवर की स्थापना कहाँ की गई? आपको पता है 75वां जो हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं, मतलब हम लोग आज़ाद होने 75 साल होने वाले हैं, ठीक है, हो गए हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में दोस्तों 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। तो इसकी शुरुआत दोस्तों सबसे पहले कहाँ से की गई है? तो पटवाई ग्राम पड़ता कहाँ? रामपुर से। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, इसको फिर से पूछने की उम्मीद है, आप बिल्कुल दोस्तों इसे रट लेंगे, तो याद रखेंगे रामपुर दोस्तों, ठीक है, रामपुर चाकू नगरी, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों क्या अमृत सरोवर की स्थापना की गई है देश के पहले, ठीक है। चलिए दूसरा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो साथियों स्कूल चलो अभियान पूछे किसने की शुरुआत इसकी, तो मुख्यमंत्री द्वारा, योगी आदित्यनाथ द्वारा दोस्तों। कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती शहर से। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, तो देखिए पढ़ाई की जरूरत उन्हें होती है जहाँ पर दोस्तों शिक्षा कम होता है। आपको पता है सबसे कम शिक्षित शहर कौन सा है? अगर पूछेंगे सबसे कम साक्षर न्यूनतम साक्षर वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा है? श्रावस्ती सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है, इसीलिए यहां पर स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? श्रावस्ती। सबसे अधिकतम पढ़ा लिखा कौन सा है दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। अगर मुझे सर्वाधिक साक्षर महिलाएं कहां की हैं, तो कानपुर नगर की हो जाएंगे। तो देखिए इससे हम और भी चीजें आपके रिलेटेड करवा के पढ़ाएंगे, जिससे आपको थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर कि भारत व अमेरिका की 19वीं सैन्य बैठक, ठीक है, कौन सी 19वीं सैन्य सहयोग बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ दोस्तों? तो आगरा में हुआ, ठीक है। चलिए अगला है कि दोस्तों किस राज्य में दोस्तों कुश्ती को गोद लिया, किस राज्य ने कुश्ती को गोद लिया दोस्तों? कुश्ती को गोद लेने वाला राज्य कौन सा बन गया? अपना उत्तर प्रदेश। कुश्ती खेल है, ठीक है, कुश्ती खेल, आपको पता है कुश्ती में काफ़ी दोस्तों अच्छा प्रदर्शन इस बार हुआ है, ठीक है, उसमें कई सारे मेडल आए हैं आपके ओलंपिक में, जिसे देखते दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती को गोद ले लिया, ठीक है, ये कुश्ती के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, ठीक है, तो ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपको देखिए जैसे कि आपको पता होगा कि हॉकी को किसने लिया दोस्तों? तो हॉकी को उड़ीसा ने लिया, ठीक है, हॉकी को, ठीक है, हॉकी गोद किसने लिखा? उड़ीसा ने, तो ये भी याद रख लेंगे, ठीक है। तो कुश्ती को दोस्तों किसने ले लिया? उत्तर प्रदेश ने। चलिए अगला है क्वेश्चन कि हाल ही में
चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं साथियों, ठीक है। किस घटना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। और वह उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो किस जनपद से संबंधित साथियों? तो गोरखपुर से, ठीक है, गोरखपुर से संबंधित है साथियों। और यहीं पर गोरखपुर से अगर आपको बात करी गई है तो यहाँ पे याद रखेंगे, अभी यहाँ पे तीसरा चिड़ियाघर भी खोला गया जिसका नाम है शहीद अशफाक उल्ला खां। क्या नाम है चिड़ियाघर का? शहीद अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर दोस्तों गोरखपुर में खोला गया। और गोरखपुर का दोस्तों खिचड़ी मेला है, बहुत प्रसिद्ध है। क्या है? खिचड़ी मेला दोस्तों, सुप्रसिद्ध मेला है, याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए तो याद रखना अपने आप से। चलिए अगला है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है साथियों? तो देखिए लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश को, यानी 21 और 22 दोनों में दोस्तों उत्तर प्रदेश की झांकी को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। अब देखिए ये तो क्वेश्चन नॉर्मल हो गया, हो सकता है आपसे पूछ ले इसकी थीम क्या थी, उत्तर प्रदेश झांकी 2022 की थीम क्या थी? तो एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम, ये इसकी क्या थी? थीम थी साथियों, ठीक है। चलिए अगला है साथियों कि भारत का 49वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के कौन से स्थल को घोषित किया गया? साथियों आपको पता है कि रामसर कन्वर्सेशन हुआ था दोस्तों, ठीक है, ईरान में एक शहर है उसके नाम पे ये आर्द्र भूमि को सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो आपको पता है भारत के कुल कितने हैं? तो 49 रामसर साइट है, कितनी है? 49, जिसमें से 49वां दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश के वखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को ही चुना गया, संत कबीर नगर का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये उत्तर प्रदेश का 10वां है, देखिए उत्तर प्रदेश का 10वां है और पूरे भारत का 49वां है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपसे पूछेगा कि अभी कितने रामसर स्थल हैं दोस्तों? 49 हैं। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10 हैं। देखिए सभी तरह प्रकार के क्वेश्चन हमने बता दिया। अभी देखिए 2022 में दोस्तों दो को शामिल किया गया, एक आपका कहाँ का है? खिजड़िया दोस्तों, खिजड़िया पश्चिमी बयान कहाँ का है दोस्तों? तो आपको बताऊँ वो है गुजरात का, और ये आपका देखिए वो 48वां है खिजड़िया, ठीक है, गुजरात वाला, और 49वां कौन सा है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण दोस्तों कहाँ का? संत कबीर नगर यानी उत्तर प्रदेश का। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन, आईपीएल में लखनऊ सुपर जॉइंट्स के कैप्टन कौन बने दोस्तों? आपको पता है कि इस बार दो टीमें शामिल हुई हैं लखनऊ गुजरात की ना दोस्तों, और याद रखेंगे इसके कैप्टन कौन है साथियों? तो केएल राहुल को दोस्तों लखनऊ सुपर जॉइंट्स का कैप्टन बनाया गया था, ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है आईपीएल से संबंधित है दोस्तों। इस बार आईपीएल में दो नई टीमें शामिल हुई थी, अब दूसरी टीम का नाम बताइएगा, उसके कैप्टन बताइएगा, और ये आपको मैं बता दूं उसी ने इस बार आईपीएल 15 का खिताब भी जीता है। तो कौन सी टीम है, उसका कैप्टन कौन है, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी की शुरुआत कहाँ की गई दोस्तों? तो देखिए भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी की शुरुआत कहाँ की गई है दोस्तों? तो लखनऊ में दोस्तों, कहाँ पर? लखनऊ में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे पैरा बैडमिंटन एकेडमी की शुरुआत कहाँ की गई है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों लखनऊ, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर दोस्तों थैला बैंक शुरू किया गया दोस्तों? तो लखनऊ नगर निगम द्वारा दोस्तों थैला बैंक की शुरुआत की गई दोस्तों, पॉलीथीन को खत्म करने के लिए साथियों ये योजना चलाई गई है, क्या? थैला बैंक। चलिए अगला है कि हाल ही में, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में बिरजू महाराज का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था दोस्तों? मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथक। आपको पता है आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों? एक ही मात्र शास्त्रीय नृत्य है, वो भी कथक है। तो बिरजू महाराज का संबंध किससे है? लखनऊ घराने के कथक से, ठीक है, कथक कलाकार दोस्तों किस घराने संबंधित है? तो लखनऊ घराने से। क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा आपको उसी को, उसको दोस्तों उसी भाषा में जवाब देना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां रखी गई दोस्तों? तो मेरठ में। कहां साथियों? मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई दोस्तों। और आपको बता दें कि मेरठ से संबंधित चीज़ें याद रख लेना दोस्तों कि यहाँ खेल का सामान बहुत ही प्रसिद्ध है, खेल का सामान और दोस्तों आभूषण के लिए फेमस है, ठीक है, मेरठ क्या है? आभूषणों के लिए फेमस है दोस्तों। यही क्वेश्चन आपके अभी हाल ही में दोस्तों जो आपके एग्जाम हुए थे सप्लाई इंस्पेक्टर, उसमें पूछा गया था आभूषण के लिए भी कहाँ है दोस्तों, मेरठ ही फेमस है। और दोस्तों कैंची नगरी बोलते हैं मेरठ को, क्रांति नगरी बोलते हैं, ये भी आपको याद कर लेना। अगला है, भारत का पहला एनिमल वार मेमोरियल की स्थापना कहाँ की गई है साथियों? ये भी आपका मेरठ में ही की गई, एनिमल वार मेमोरियल। और साथियों
कौन सा? तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, दोनों दोनों मेरठ। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में, दोस्तों याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का एक मैनपुरी जिला पड़ता है साथियों, जहां की गीतांजलि श्री थी ना, जिन्हें कौन सा मिला दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है चलिए, तो वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के मैनपुरी स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो हमारे प्रथम CDS दोस्तों कौन, जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर। देखिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य साथियों, ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर दोस्तों मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर रख दिया गया है। ठीक है चलिए, अगला है कि हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? साथियों याद रखेंगे कि हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों लखनऊ में, और लखनऊ में भी हमने ऊपर बताया है कि पैरा बैडमिंटन शुरू किया गया है। ठीक है चलिए, अगला है कि साथियों कि किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया साथियों? तो कहाँ पर किया गया है रानी लक्ष्मीबाई, दोस्तों आपको पता है झांसी रानी, तो झांसी रानी क्या झांसी यहाँ रख लेंगे, कोई ज़्यादा कठिन वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है मगर आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला है, साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, कौन सा बना है साथियों? तो कौन सा बना है दोस्तों? अपना उत्तर प्रदेश। 27 दिसंबर दोस्तों साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा, इसके बारे में बच्चों को बताया जाएगा, सिख गुरुओं से संबंधित है। ठीक है चलिए, अगला है साथियों कि 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी पुरस्कार चैंपियनशिप दोस्तों 2021 किसने जीती है? तो अपना उत्तर प्रदेश ने जीता है, किसको हरा के? चंडीगढ़ को। किसको? चंडीगढ़ को हरा के। चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ खुद दोस्तों दो राज्यों की और राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हराया है। चलिए अगला है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किस जिले से किया है साथियों? तो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? बलरामपुर जिले से दोस्तों, आपको बता दें इसके तहत दोस्तों घाघरा, ताप्ती है ना, वाणगंगा, सरयू, रोहिणी आदि नदियों दोस्तों आपस में जोड़ दिया जाएगा, जिससे दोस्तों क्या होगा कि कनेक्टिविटी हो जाएगी दोस्तों, और पानी इसमें साल भर मिलता रहेगा, और दोस्तों इससे क्या होगी सिंचाई अधिक मात्रा में की जा सकेगी, किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में दूरदर्शन के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? दोस्तों दूरदर्शन के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है कहां पे? उत्तर प्रदेश में। अगला है, लाल सलाम किसकी पुस्तक साथियों? लाल सलाम पुस्तक किसकी है? याद रखेंगे, देखिए लाल सलाम, अब आप कहेंगे सर स्मृति ईरानी को पढ़ा दे, भैया याद रखेंगे अमेठी की सांसद है, क्या है? अमेठी से जीती है, राहुल गांधी को हरा के बनी है साथियों। ठीक है तो आप बताइएगा, देखिए एक क्वेश्चन आपसे करने वाले हैं कि अभी इनके पास वर्तमान में कौन सा मंत्रालय दिया गया है? दोस्तों स्मृति ईरानी को कौन सा मंत्रालय दिया गया है वो बताइएगा, और लाल सलाम किसकी पुस्तक है? तो स्मृति ईरानी की। अगला है साथियों, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हॉट एयर बैलून कार्यक्रम की शुरुआत की गई? देखिए वाराणसी में की गई दोस्तों। हॉट एयर बैलून क्या होते हैं आपको पता होगा साथियों? देखिए बड़े बड़े बैलून जैसे होते हैं, और उनमें दोस्तों यहाँ पे बना होता है इसे, और उस पर बैठा के दोस्तों पूरा दृश्य दिखाया जाता है, वो ऊपर ऊपर आकाश में उड़ा करते हैं। ठीक है तो उसे हॉट एयर बैलून कहते हैं दोस्तों। ऐसा कार्यक्रम कहाँ चलाया गया है? तो बनारस वाराणसी में। ठीक है चलिए, अगला है, उत्तर प्रदेश का पहला एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश का पहला एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन कहाँ किया है दोस्तों? तो नोएडा में, और नोएडा को आपको पता है फिल्म सिटी बन रही है, क्या बन रही है दोस्तों? फिल्म सिटी बनी जा रही है दोस्तों, और नोएडा में ही दोस्तों सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अपने पूरे एशिया का, कौन सा? जेवर, क्या है? जेवर साथ है, तो ये भी याद रख लेंगे। ठीक है चलिए, अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, क्या राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की शुरुआत की गई दोस्तों? कहाँ से की गई है? तो झांसी से दोस्तों, झांसी से। ठीक है, और झांसी में भी केंद्रीय विश्वविद्यालय बन रहा है, किसका दोस्तों? कृषि का। अगला है 56 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में क्वीन हियो हॉन्ग ओके मेमोरियल स्थापना किया जा रहा है दोस्तों? स्मारक स्थापना किया जा रहा है दोस्तों कहाँ पर? अयोध्या में दोस्तों, ये दक्षिण कोरिया की रानी है, ठीक है, उन्हीं के उस पर दोस्तों ये बनाया जा रहा है। ठीक है, दक्षिण कोरिया की रानी, आपसे पूछ सकते हैं ये स्मारक का संबंध किससे है दोस्तों? दक्षिण कोरियाई रानी से। ठीक है चलिए, अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला जाए? कौन सा? स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला जा रहा है दोस्तों कहाँ पर? तो ये भी आपके बनारस यानी वाराणसी में। ठीक है चलिए, अगला है कि उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता कौन प्रदान करेगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता कौन प्रदान करेगा दोस्तों? सिडबी बैंक। कौन? सिडबी
करेगी दोस्तों क्या, वित्तीय सहायता प्रदान दोस्तों। चलिए अगला है कि देखिए प्रदेश में इटावा के लायन सफारी, आपको पता होगा आपसे पूछेगा प्रदेश में लायन सफारी कहाँ, इटावा में। देखिए प्रदेश में लायन, देखिए प्रदेश में इटावा के लायन सफारी के तर्ज पर दोस्तों एक काऊ सफारी भी खोला जाएगा दोस्तों। क्या, लायन सफारी के तर्ज पर एक काऊ सफारी भी खोला जाएगा दोस्तों। वो कहाँ पर दोस्तों खोला जाएगा, तो जालौन में। कहाँ पर दोस्तों, जालौन। जालौन का आपको पता है कालपी पड़ता है दोस्तों, कालपी मिश्री के लिए फेमस है। और दोस्तों जालौन का एक जिला उत्पाद क्या है, हस्तनिर्मित कागज। और जालौन में दोस्तों आपको पता है कालपी में बीरबल का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है आज का, ठीक है, सॉरी दोस्तों 60वां क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर देश की पहली ग्रीन कैंटीन का शुरुआत कहाँ की। देखिए ग्रीन कैंटीन की शुरुआत देश की पहली कहाँ की गई है दोस्तों, कानपुर में। कहाँ पर दोस्तों, राष्ट्रीय सरकार अनुसंधान संस्थान दोस्तों, आपको पता सुगर अनुसंधान संस्थान में दोस्तों क्या किया गया है, पहले ग्रीन कैंटीन का शुरुआत की गई दोस्तों। यहाँ पे जो दोने पत्तल होंगे ना वो दोस्तों किससे बने होंगे, तो गन्ना की खोई से, ठीक है, उससे बने हुए होंगे, जिससे दोस्तों ये आराम से दोस्तों ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ठीक है। तो कानपुर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन। और देखिए कानपुर में दोस्तों कैसा अनुसंधान संस्थान है, तो कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, बहुत। तो 61वां क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही साथियों। देखिए आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, देखिए इसमें आयुष पद्धति से दोस्तों आपका इलाज किया जाएगा, सॉरी सिखाया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आयुष को बढ़ावा देने के लिए, आयुष को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही, कहाँ पर, गोरखपुर में दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब देखिए गोरखपुर की बात आई है तो यहाँ से कुछ चीज़ें और आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर यानी कि अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर की भी स्थापना की गई है, ठीक है। तो याद रख लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं का दोस्तों एक जीआई टैग दिया गया, किसको, टेराकोटा उत्पाद है ना, टेराकोटा दोस्तों लाल मिट्टी के बर्तन होते साथ ही उनको जीआई टैग भी दिया गया, गोरखपुर को याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए और दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा क्या दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों आंवला, जिससे दोस्तों उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बनाए जाने की बात चल रही है, वह किस जिले की एक तहसील दोस्तों। तो याद रखेंगे आंवला को दोस्तों कहा गया है कि 76वां जिला बनाएंगे, ठीक है, 76वां जिला बनाया जाएगा। वो दोस्तों बरेली जिले की क्या है, एक तहसील है, 6 तहसीलों में से बरेली की एक तहसील क्या है, आंवला, जिसे जिला बनाने की बात कही गई है, ठीक है। तो देखिए आप यहीं से याद रखेंगे, अगर कोई पूछ ले आंवला नगरी किसको कहते हैं दोस्तों, किसको कहते हैं, प्रतापगढ़ को, ठीक है, आंवला नगरी किसको कहते हैं, प्रतापगढ़ को। देखिए आंवला किसके लिए फेमस है दोस्तों, तो आंवला जो शहर है ना ये उर्वरक के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, आंवला को 76वां जिला बनाए जाने की बात चली है दोस्तों। ये कहाँ है, बरेली दोस्तों। बरेली कौन सी नगरी दोस्तों, आपको पता सूरमा नगरी, क्या है, सूरमा नगरी दोस्तों बरेली। और बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है, अपने उत्तर प्रदेश की सबसे कम गर्मी कहां, बरेली में पड़ती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का 63 नंबर कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा दोस्तों। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों योजना से संबंधित है, ठीक है। तो बनारस आपका सबसे पहले नंबर पर, यानी वाराणसी दोस्तों पहले स्थान पर रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 64 नंबर की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कहाँ तक, गोरखपुर तक। कहाँ से आ जाएगा ये, तो गुजरात के दोस्तों कांडला पोर्ट से दोस्तों, ठीक है, गुजरात में कांडला पोर्ट पड़ता है दोस्तों, बंदरगाह पड़ता है, वहां से दोस्तों बिछाई जाएगी आपके गोरखपुर उत्तर प्रदेश तक, ठीक है। ये सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की पाइपलाइन होगी, कहां तक जाएगा, गोरखपुर तक। कहां शुरू होगा दोस्तों, कांडला से। कहाँ, कांडला कहाँ पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेंगे। चलिए अगला है दोस्तों, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दोस्तों उत्तर प्रदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया साथियों। QS दोस्तों ये बेस्ट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी करती है, आपको बता दें कि उसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक यूनिवर्सिटी दोस्तों उसमें शामिल हुई है, कौन सी है, IIT कानपुर। और दोस्तों ये 122वें नंबर पे है, किस नंबर पे है, 122वें। अगर भारत में बात कर लें तो ये 5वें नंबर पे, देखो 5वें नंबर पे है इसकी रैंकिंग, भारत की बात करें भारत में 5वें नंबर पे, और विश्व में किस नंबर पे है, 122वें नंबर पे, ठीक है। 5वें नंबर दोस्तों पहले कौन कौन से, तो IIT बेंगलुरु पहले पे है, फिर IIT दिल्ली दोस्तों दूसरे पे है, IIT मद्रास दोस्तों तीसरे पे, IIT बॉम्बे चौथे पे, पांचवें पे होगा IIT कानपुर दोस्तों। भारत की बात करेंगे तो भारत की ये यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए तो किसको शामिल किया गया है, QS वर्ल्ड
यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दोस्तों आईआईटी कानपुर को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों किसको सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर गंगेश दीक्षित जी को दोस्तों कुशीनगर के। हाँ देखिए कुशीनगर याद आ गया तो आपको ये याद रखना कि कुशीनगर में पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया और कुशीनगर में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी खोला जा रहा है। और कुशीनगर में दोस्तों गौतम बुद्ध की क्या हुई, मृत्यु भी हुई थी, वहीं इन्होंने महापरिनिर्वाण किया था, ठीक है। चलिए और आपको बता दें कि अगर हिंदी की बात हुई है तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखना 10 जनवरी को साथियों अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 14 सितंबर को दोस्तों क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस, ठीक है। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय खोले जाने की बात चल रही है, निर्णय लिया गया दोस्तों अलीगढ़ में। आपको बता दें जो अलीगढ़ में दोस्तों एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है दोस्तों, इसके लिए देखो जो एएमयू बनाना उसके लिए भूमिदान किसने किया था, मतलब जमीन किसने दी थी, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने जमीन भी दिया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने के लिए, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर दोस्तों यहां पे एक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा, कहां पर, अलीगढ़ में। क्या नाम होगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, याद रख लेंगे कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहां खोला जा रहा है, तो अलीगढ़ में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी कि विधि कानून संबंधी दोस्तों पहली यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है, तो प्रयागराज में दोस्तों, है ना, कानून संबंधी उत्तर प्रदेश की पहली नेशनल लॉ नेशनल मतलब राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय कहाँ स्थापना की जा रही है, राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की, तो आपके प्रयागराज में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में महिला थाने के तर्ज पर बाल मित्र थाना बनाए जाने का प्रस्ताव किस प्रदेश में रखा गया दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश सरकार। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है जैसे हम महिला थाना खोलते हैं ना, उसी प्रकार से हम बाल थाना खोलेंगे, बाल मित्र थाना। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें पुलिस दोस्तों वर्दी में नहीं रहेगी, पुलिस क्या होगी सिविल वर्दी में रहेगी, किसमें, सिविल वर्दी में रहेगी दोस्तों, और जरूरत पड़े ना तो किसी बच्चे को भी नियुक्त किया जाएगा उनसे बात करने के लिए, उनसे वार्तालाप करने के लिए, अगर बच्चों से कुछ मतलब आप समझ रहे ना, बच्चे जो है पुलिस से डरते हैं, तो वैसा ना डरे दोस्तों, उसके लिए बहुत सारे कदम उठाए जाएंगे, जैसा कि पुलिस सिविल वर्दी में होगी। दूसरा दोस्तों कि किसी बच्चे को भी नियुक्त किया जाएगा उस स्टेशन में, ठीक है, किसी बच्चे को रखा जाएगा जिससे दोस्तों बच्चे क्या करें उनसे कंप्लेन कर सके अगर उन पे कोई जाति होती है तो, ठीक है। चलिए अगला है कि देश के किस राज्य में सबसे अत्याधुनिक, ठीक है, सबसे आधुनिक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, जिससे जिसमें हर साल दोस्तों 500 छात्र शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। देखिए फॉरेंसिक है ना, जो जांच वाली यूनिवर्सिटी दोस्तों, कोई क्राइम होता तो उसमें फॉरेंसिक जाँच होती है, उसके लिए शिक्षा ले पाएं दोस्तों, उसके लिए सबसे आधुनिक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जा रहा है दोस्तों, अपने उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा, ठीक है, कहाँ पर, अपने ही उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ATS इकाई और कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी दोस्तों, तो कहाँ की गई है, तो दोस्तों कहाँ पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ATS इकाई कमांडो सेंटर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी दोस्तों, देवबंद में, सहारनपुर में दोस्तों पहला खोल दिया गया, ठीक है। देखिए सहारनपुर आपको पता है सबसे उत्तरी जिला है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, और एकमात्र जिला सहारनपुर किसको, हिमाचल प्रदेश को छूने वाला एकमात्र जिला है, ठीक है। और साथियों याद रखेंगे यहाँ शाकंभरी देवी मेला भी लगता है, ठीक है। और देखिए जो आपके ATS इकाई है ना दोस्तों, ATS इकाई या फिर कमांडो ट्रेनिंग सेंटर दोस्तों 10 जगह खोले जाएंगे अपने पूरे यूपी में, ठीक है, जिसमें दोस्तों पहला कहाँ खुल गया है, तो देवबंद में। देखिए 10 जिले कहाँ कहाँ खुलेंगे, तो मेरठ हो गया, अलीगढ़ हो गया, श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, नोएडा हो गया, आजमगढ़, कानपुर, सोनभद्र और मिर्जापुर और सहारनपुर, इन 10 जिलों में दोस्तों ATS का ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा, मगर दोस्तों पहला देवबंद सहारनपुर में खोला गया जो थी चर्चित था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ हाल ही में भारत के दौरे पर आए, जिनका संबंध दोस्तों उत्तर प्रदेश में किस जिले से दोस्तों, देखिए ये भारतीय मूल कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इनकी जो था ना दोस्तों मूल वंश, वो दोस्तों अपने बलिया से संबंधित है ना। देखिए इस बलिया को याद रखना ना रखना, मगर ये याद रख लेना कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, प्रविंद जगन्नाथ, क्योंकि ये भारत में आए थे, हो सकता है दोस्तों ये पूछ लें कि हाल ही में जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री दोस्तों भारत में आए थे उनका नाम क्या था, तो प्रविंद जगन्नाथ, ठीक है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों इनका संबंध कहाँ से है, बलिया, और बलिया आपको पता है ये सबसे पूर्वी जिला क्या है, सबसे पूर्वी जिला है अपने उत्तर प्रदेश का दोस्तों। और आपको बता दें जो उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी दोस्तों, उज्ज्वला योजना देखिए याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, हमने इसको लिखवाना भूल गए, करंट में ये भी
दिया जाएगा आपका उज्ज्वला योजना। पहले चीज उज्ज्वला योजना किससे संबंधित दोस्तों, तो किससे संबंधित दोस्तों, गैस सिलेंडर से ना, गैस सिलेंडर। और कहाँ शुरू की गई थी दोस्तों, बलिया से। देखिए उज्ज्वला बलिया शुरू की गई थी दोस्तों, आपको ये भी पूछेगा उज्ज्वला 2.0 कहाँ शुरू की गई थी दोस्तों, ये महोबा से शुरू की गई। कहाँ से उज्ज्वला 2.0 योजना कहाँ शुरू की गई, महोबा से। तो ये भी आप याद कर लेंगे। देखिए उज्ज्वला योजना कहाँ शुरू की गई थी, बलिया से। और दोस्तों इसका दूसरा पार्ट यानी उज्ज्वला 2.0 कहाँ शुरू की गई, ये महोबा से शुरू किया गया। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2022 के चुनाव कितने चरणों में हुए दोस्तों। देखिए कितने चरण में हुए साथियों, तो कितने हुए विधानसभा चुनाव 2022 कितने चरण में हुए, तो 7 चरणों में दोस्तों हुए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें यहाँ एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी की गठबंधन पार्टी ने कितनी सीटें जीती, 275, और सपा गठबंधन ने दोस्तों 125 सीटें जीती, और दोस्तों कांग्रेस ने 2 सीटें जीती और बसपा की 1 सीट। ठीक है, अब देखिए बसपा विधायक को देखने के लिए आप लोगों को टिकट लगेगा, क्योंकि दोस्तों एक ही ऐसा विधायक है जिसने दोस्तों एक ही सीट बसपा ने जीती है। ठीक है, तो याद होगा आपको 7 चरण में हुए चुनाव और 275 सीटें दोस्तों बीजेपी ने जीती हैं गठबंधन करके, और 125 सीटें दोस्तों सपा जीती है। ठीक है, और 2 कांग्रेस और 1 बसपा। ठीक है, चलिए अब देखिए एक आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा कि साथियों उत्तर प्रदेश के साथ और कितने विधानसभा चुनाव हुए थे, जैसे कि गोवा हो गया, उत्तराखंड हो गया, कितने हुए थे उनके कमेंट बॉक्स में कमेंट हमें कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के नव निर्वाचित विधायकों की किसको शपथ दिलाने के लिए किसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था दोस्तों। देखिए प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं। देखिए जब कोई नई विधानसभा या फिर लोकसभा आती है ना, जिसे केंद्र पे क्या मिलेगी, लोकसभा। ठीक है, तो दोस्तों पहले क्या होता है कि पहले दोस्तों क्या करता है, राष्ट्रपति या फिर दोस्तों राज्यपाल, राज्य में राज्यपाल और राष्ट्र मतलब कि देश में राष्ट्रपति क्या करता है, उन्हीं में किसी एक व्यक्ति को दोस्तों क्या करता है, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देता है। प्रोटेम स्पीकर का एक ही काम होता है दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर का एक काम होता है दोस्तों कि वो क्या करता है, सबको शपथ दिलाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों शपथ दिलाने के बाद क्या होता है, फिर दोस्तों प्रोटेम स्पीकर काम समाप्त आता है, फिर दोस्तों एक यहीं से अध्यक्ष चुन लिया जाता है यानी कि स्पीकर चुन लिया जाएगा। ठीक, इन्हीं में से एक स्पीकर चुन लिया जाता है दोस्तों, फिर वो दोस्तों पूरे सदन में क्या करता, अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया जाएगा, कौन करेगा, तो दोस्तों राज्य में राज्यपाल करेंगे। ठीक, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो याद रखेंगे किसको, रमापति शास्त्री को दोस्तों 2022 का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन चुने गए, तो दोस्तों श्री सतीश महाना, इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, श्री सतीश महाना जी को विधानसभा 2022 के स्पीकर के रूप में चुना गया। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के म्यूजियम, ठीक है, क्या नाम था, मुगल म्यूजियम दोस्तों, इसका निर्माण चल रहा था दोस्तों और इसका नाम बदल दिया गया, किस नाम से, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम कर दिया गया। मुगल म्यूजियम का नाम दोस्तों, जो कि आगरा, देखिए आगरा का जो ताजमहल है उसके आसपास में बन रहा था, जिसका नाम दोस्तों बदल के दोस्तों मुगल म्यूजियम पहले नाम था, ठीक, उसका नाम बदल के दोस्तों योगी जी ने क्या कर दिया, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम कर दिया। कहाँ पे है ये, तो आगरा में ही, याद रख लेंगे आगरा में। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ हॉलीवुड की तर्ज पर दोस्तों फिल्म सिटी बनाई जा रही है दोस्तों, हॉलीवुड के तर्ज पर फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है दोस्तों, नोएडा में, आपको पता होगा। और नोएडा में साथियों क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर दोस्तों, आपको बता दें जेवर अपने एशिया का पहला है ना सबसे बड़ा, और दोस्तों विश्व का पांचवा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। ठीक है, और आपको पता है कि जब हवाई अड्डा की बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश पहला स्थान ग्रहण करता है जहां पर दोस्तों 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन गए हैं। चलिए दोस्तों 78 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों यह लगा लेना, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला 2021 का आयोजन किस स्थान पर किया गया दोस्तों, तो वाराणसी दोस्तों। यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध चीज पता क्या थी, आपको बता दें काला नमक चावल दोस्तों बहुत प्रसिद्धि मिली, काला नमक चावल दोस्तों बहुत प्रसिद्धि मिली है, याद रखेंगे। और काला नमक चावल दोस्तों कहाँ का है, इसे GI टैग भी दिया गया, और ये एक जिला एक उत्पाद भी कहाँ का है, सिद्धार्थनगर, जिसे हम बुद्ध का प्रसाद भी कहते थे, याद रखेंगे। काला नमक चावल का संबंध कहाँ से है, तो सिद्धार्थनगर से है ना, और काला नमक चावल दोस्तों। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काला नमक चावल, ये एक जिला एक उत्पाद भी सिद्धार्थनगर का, और दोस्तों इसे GI टैग भी दिया गया, बहुत फेमस है। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला कहाँ, बनारस में। ठीक है, चलिए अगला है युवा पीढ़ी को चारों वेद की संपूर्ण जानकारी देने के लिए वेदवन पार्क की स्थापना कहां की गई है साथियों, तो नोएडा में दोस्तों, नोएडा प्राधिकरण के द्वारा दोस्तों वेदवन पार्क की स्थापना की जा रही है, जहां पर दोस्तों चारों वेदों की जानकारी दोस्तों युवा पीढ़ी को दी जाएगी। तो याद रखेंगे वेदवन पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है, तो नोएडा में। ठीक है, कहां पर, नोएडा में साथियों। अगला है कि हाल ही में किस जनपद में उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 दिनों के अंदर दोस्तों रामायण यूनिवर्सिटी का निर्माण करने के लिए बात की है दोस्तों, तो कहाँ की गई है,
तो कहाँ की है दोस्तों? तो अयोध्या में। दोस्तों अयोध्या में क्या है कि दोस्तों हाल ही में किस जनपद में? तो दोस्तों आपको पता है कि रामायण, देखिए रामायण से संबंधित दोस्तों अयोध्या ही है। अयोध्या किस नदी किनारे है? तो सरयू नदी किनारे। कहाँ पर? सरयू नदी किनारे दोस्तों अयोध्या में ही रामायण यूनिवर्सिटी बनाई जा रही दोस्तों, और बहुत ही कम समय में, यानी 100 दिनों के अंदर। ठीक है, अगला दोस्तों कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1,66,50,00,000 साल पुराना दोस्तों जीवाश्म मिला है? दोस्तों सोनभद्र में। देखिए कितना पुराना होगा, 1,66,50,00,000 साल पुराना जीवाश्म मिला दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हम तो गिन भी नहीं पाएंगे इस तरह से ना, तो याद रखें 1,66,00,000 है ना, 50,00,000 पुराना जीवाश्म मिला दोस्तों, ये सबसे पुराना जीवाश्म मिल चुका है ना, तो ये सोनभद्र में। दोस्तों सोनभद्र को पता सबसे दक्षिण में पाया जाता है, और ये 4 जिलों को स्पर्श करने वाला, सॉरी 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला अपने भारत का, जो कि बिहार, सोनभद्र बिहार, ठीक है, और आपका छत्तीसगढ़ है ना, और दोस्तों मध्य प्रदेश, और आपका क्या है, झारखंड, है ना, 4 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश का प्रथम जनजाति संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? दोस्तों प्रथम जनजाति संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है उत्तर प्रदेश की? तो बलरामपुर के इमिलिया कोडर में। कहाँ? बलरामपुर के इमिलिया कोडर में दोस्तों प्रथम जनजाति संग्रहालय खोला जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे जनजाति ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, चलिए, और दोस्तों एक जनजाति कौन से जो कि दोस्तों दीपावली को शोक के रूप में मनाती है दोस्तों, कौन सा होगा? थारू। थारू जनजाति क्या है? दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजातियों द्वारा दोस्तों अपना खुद का एक बैंक बनाया गया? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहराइच के विश्वनापुर गांव में दोस्तों, देखिए थारू जनजातियों के लोगों ने मिलकर दोस्तों एक अपना खुद का बैंक बनाया है। ठीक है, और इसमें दोस्तों आपको बता दें 12 लाख के आसपास रुपए एकत्रित भी हो चुके हैं। ठीक है, और इसके क्या होगा, देखिए जिसको खेती करनी चाहते हो, देखिए बहुत अच्छा प्लान है दोस्तों, ये हर एक राज्य, अगर हर एक गाँव के लोग अगर सोच ले रहे, बहुत अच्छा प्लान है। देखिए इसमें होता क्या है कि गाँव के लोग ही मिलकर दोस्तों पैसा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और साथियों फिर देखिए जिसको जरूरत होती है दोस्तों, देखिए अगर मान लिया किसी खेती करनी है दोस्तों, तो वो यहां से पैसे ले सकता है उधार, और दोस्तों 15 से 20 दिन में या महीने खाड़ में अगर वो वापस कर देता है, उससे कोई ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छी पहल है साथियों, और देखिए कौन से लोग हैं, थारू जनजाति के लोग, और थारू जनजाति के लोग ही क्या करते हैं दोस्तों, दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कहां पर, बहराइच के विश्वनापुर गांव में दोस्तों इनका खुद का बैंक खोला गया। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क की स्थापना की जा रही है? दोस्तों कहाँ पर? दोस्तों मतलब कि जल का पानी संग्रह के लिए दोस्तों पार्क बनाया जा रहा है कानपुर में। आपको बता दें दोस्तों इसमें एक रोबोट जैसा होगा। ठीक है, और दोस्तों ये लोगों से बात भी करेगा और लोगों को संदेश देगा कि भैया आप पानी बचाइए। ठीक है, तो कहाँ पर? कानपुर में। कहाँ पर दोस्तों? कानपुर में। ठीक है, चलिए अगला है कि अमेरिका के एरोस्पेस कंपनी जो बोइंग ने दोस्तों भारत को आखिरी 5 बोइंग है ना AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत पहुंचाए थे, वो किस स्टेशन पहुंचाए थे अंतिम 5? तो हिंडन वायुसेना स्टेशन पर। कहां पर? हिंडन वायुसेना स्टेशन पर दोस्तों उन्होंने 5 बोइंग अपाचे हेलीकॉप्टर पहुंचाए थे। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में दोस्तों भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक दोस्तों जिनका नाम है गोविंद स्वरूप है, उनका निधन हो गया था, वो कहाँ संबंधित थे? अपने उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? गोविंद स्वरूप जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 87 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस शहर में वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है? दोस्तों कहाँ पर? गोरखपुर में। गोरखपुर में हमने बताया साथियों क्या है, चिड़ियाघर भी है जिसका नाम अशफाक उल्ला खां। ठीक है, और गोरखपुर में दोस्तों आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। क्या? आयुष विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है। चलिए अगला है 88 नंबर कि उत्तर प्रदेश में के किस शहर में दोस्तों APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है? दोस्तों कहां पर? लखनऊ में दोस्तों APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है। कहां पर दोस्तों? लखनऊ में। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में, देखिए निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में कैलाश मानसरोवर भवन की स्थापना की जा रही है? दोस्तों कहाँ पर? तो गाजियाबाद में। कहाँ पर दोस्तों? गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन की स्थापना की जा रही है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, देखिए थोड़ा पुराना है मगर पूछा सकता है दोस्तों। देखिए क्या है, नागरिकता कानून के तहत प्रवासियों को शॉर्टलिस्ट करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो साथियों कौन सा है? उत्तर प्रदेश है दोस्तों प्रथम भारतीय राज्य। तो 91वें क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खेतों में काम करने के दौरान मरने या विकलांग होने वाले
किसानों के परिवारों को वित्तीय सहायता किस योजना के तहत प्रदान करेगी। दोस्तों आपको पता है, देखिए योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए साथियों। तो बताइए कि अगर कोई किसान खेतों में काम करता है, हो सकता है उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए और खेतों के काम करने दौरान दोस्तों उसकी मृत्यु हो जाती, चाहे वो सांप के डसने से या फिर किसी अन्य कारण से दोस्तों, तो उसको किसके तहत दोस्तों मुआवजा मिलेगा, वित्तीय सहायता मिलेगी उसके परिवार को? तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में बागपत के किस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए रटौल आम को दोस्तों जीआई टैग दिया गया है। और इसके अलावा साथियों आपको बता दें कि आपके जो गोरखपुर का है, गोरखपुर के टेराकोटा उत्पाद को दिया गया है, ठीक है, टेराकोटा उत्पाद को भी जीआई टैग दिया गया। और चुनार के दोस्तों लाल लाल मिट्टी को भी दिया गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे। और दोस्तों देसावरी पान को, ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा रटौल आम। अगला है हाल ही में महोबा के किस पान को जीआई टैग दिया गया दोस्तों? महोबा के किस पान को दिया गया? तो आपको याद रखना है देसावरी पान। क्या देसावरी पान दोस्तों? महोबा का है और इसे दोस्तों हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश का ये प्रोडक्ट है, ठीक है, याद रखेंगे देसावरी पान। ठीक है, देसावरी पान कहाँ का है? महोबा। साथियों देखिए पान संधान केंद्र भी महोबा में ही है, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना। और महोबा से ही दोस्तों उज्ज्वला 2.0 योजना चलाई गई थी। कि उज्ज्वला 2.0 योजना दोस्तों पहली बलिया से, दूसरी महोबा से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, महोबा वही दोस्तों आल्हा उदल का क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला है 94 नंबर क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अशफाक उल्ला खां के नाम पर 121 एकड़ का चिड़ियाघर कहाँ बनाने घोषणा की दोस्तों? कहाँ बन चुका है दोस्तों? घोषणा नहीं, बन चुका है, तैयार हो चुका है, आप जाके देख भी सकते हैं कहाँ पर, गोरखपुर में। ठीक है, आपको बता दें कि ये तीसरा चिड़ियाघर है साथियों। देखिए पहला कौन सा है? तो लखनऊ, फिर कानपुर में दोस्तों, और फिर दोस्तों आपका गोरखपुर में। ठीक है, चलिए अगला है कि सांस्कृतिक कला और हस्तशिल्प प्रदर्शनी काशी एक रूप अनेक का उद्घाटन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है मगर पूछे जाने की संभावनाएं हैं, किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, कहां पर दोस्तों? बनारस में। ठीक है, आपसे पूछेगा साथ तो यही पे याद रखेंगे, जो बनारस में ना ज्ञानवापी मस्जिद दोस्तों हो सकता है चर्चित है, तो आपसे पूछ ले कि ज्ञानवापी मस्जिद, क्या ज्ञानवापी मस्जिद दोस्तों कहां की दोस्तों फेमस है, मतलब हाल ही में चर्चित में रही ज्ञानवापी मस्जिद कहां है? तो याद रखेंगे ये भी आपका कहां है? बनारस, वाराणसी में। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगला है कि केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र को कहां स्थापित किया गया? तो साथियों आपका बनारस में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां आपको पता होगा? फिलीपींस मनीला में है, मगर दोस्तों उसका क्षेत्रीय केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो वाराणसी में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के, देखिए आपसे पूछा जाएगा किसका नाम में क्या परिवर्तन किया गया दोस्तों, आपको बता दें उर्दू अरबी फारसी को हटा के भाषा कर दिया गया, केवल क्या उर्दू अरबी फारसी को हटा करके भाषा कर दिया गया इसके स्थान पर दोस्तों। कहाँ है ये विश्वविद्यालय दोस्तों? आपके लखनऊ में पड़ जाएगा। कहाँ पर? लखनऊ में है। तो याद रखेंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी का नाम हटा के दोस्तों उर्दू अरबी फारसी जहाँ का कर देगा भाषा कर देगा। ठीक है, कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। चलिए अगला है 98 नंबर कि मोदी जी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण दोस्तों किस जिले में किया गया है? तो बनारस में दोस्तों, वाराणसी में दीनदयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला है साथियों कि सिडबी द्वारा एक विशेष ट्रेन, क्या दोस्तों? सिडबी द्वारा एक विशेष ट्रेन स्वावलंबन एक्सप्रेस की शुरुआत दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई है? तो किस जिले से साथियों? तो लखनऊ से। कहां से? तो लखनऊ से दोस्तों स्वावलंबन एक्सप्रेस की मतलब शुरुआत की गई है। ठीक है, किसके द्वारा पूछेगा? तो सिडबी द्वारा। किसके द्वारा? सिडबी द्वारा। अगला है उस गाँव का नाम क्या है जिसके अंतर्गत दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दोस्तों आवंटित किया, किसके लिए? मस्जिद के लिए दोस्तों। कहां पर? अयोध्या में, धन्नीपुर गांव है। कौन सा है? धन्नीपुर गांव। अगला है कि किस विश्वविद्यालय ने इसरो के लिए दुनिया का सबसे क्षमतावान कार्बन एरोजेल हाइड्रोजन स्टोरेज विकसित किया है दोस्तों? किसने किया है? तो BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने की थी, क्या कब और किसने की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह का संबंध दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो याद रखेंगे किस जिले से है? बनारस से। ठीक है, कहां से है? बनारस से है साथियों। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में
पहला हाथी अस्पताल दोस्तों, भारत का पहला हाथी अस्पताल खोला गया साथियों, कहां पर खोला गया, तो मथुरा में। कहां पर दोस्तों, मथुरा में। आपको बता दें कि मथुरा में दोस्तों सबसे ज्यादा मेला लगते हैं, सर्वाधिक मेला मथुरा में ही लगते हैं, ठीक है। सर्वाधिक मेला कहां लगते हैं, मथुरा में ही लगते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल जी की दोस्तों, किसकी, अटल जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था दोस्तों, तो कहां पर, लखनऊ में दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था, ठीक है। और दोस्तों लखनऊ के ही जो स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ही रखा गया। और आपको बता दें कि दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और बनाया जा रहा है, कहां पर दोस्तों, वाराणसी में। कहां बनाया जाएगा, बनारस में दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने की तैयारी चल रही है, ठीक है। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला है ऑनलाइन FIR दर्ज कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो आपको पता होगा कि अपना उत्तर प्रदेश दोस्तों। ऑनलाइन FIR आपको पता होगा ना, वेबसाइट पे जाइए दोस्तों, ऑनलाइन FIR आप दर्ज कर दीजिए, कौन सा प्रदेश बन गया है, तो आपका UP यानी कि उत्तर प्रदेश दोस्तों ऑनलाइन FIR दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल उत्तर प्रदेश के किस जिले में विकसित किया गया है साथियों, तो वाराणसी में दोस्तों। आपको पता होगा कि वाराणसी में दोस्तों क्रूज भी चलाई जाती है, ठीक। और मल्टी मॉडल टर्मिनल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जहां पर हम जल थल वायु, ठीक है, हर एक तरफ से आ सके दोस्तों, तीनों तरीके से आने के रास्ते मौजूद हो दोस्तों, स्टेशन हो, बस स्टॉप बनाया गया हो, रेलवे स्टेशन बनाया गया हो, इस तरह से उसको हम मल्टी मॉडल टर्मिनल बोलते हैं, ठीक। कहाँ है, बनारस यानी वाराणसी में। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भगवत गीता के अध्ययन के लिए अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है दोस्तों, तो भगवत गीता के लिए दोस्तों मथुरा। कहाँ पे दोस्तों, भगवत गीता दोस्तों, देखिए कृष्ण जी ने दिया था ना उपदेश, तो यार कृष्ण जी की जन्मस्थली कहाँ, मथुरा, ठीक। इस तरह से याद कर लेंगे, कहां पर, मथुरा में साथियों, भगवद गीता के अध्ययन के लिए एक अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही, कहां पर साथियों, तो मथुरा में, ये आपको याद रखना है। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार को औद्योगिक सुरक्षा के लिए एक समर्पित बल का गठन करना है, उस बल का नाम क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। क्या, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स दोस्तों, UPSSF, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, तो कहां पर, तो महाराजगंज जिले में। कहां पर दोस्तों, महाराजगंज जिले में उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में दोस्तों घाघरा नदी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया दोस्तों। आपको पता है कि आधे दूर पर दोस्तों सरयू नदी को हम घाघरा कहते थे, मगर दोस्तों इसका पूरा का पूरा घाघरा नदी को भी दोस्तों सरयू नदी कहा जाने लगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि सरयू नदी का दोस्तों हमारा पुराना क्या है, रिश्ता है दोस्तों, ठीक है, रामायण काल से, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, क्या, राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कहां की जाएगी, तो दोस्तों कहां की जाएगी, नोएडा में। कहां की जाएगी, नोएडा में। वहीं हम बात करें दोस्तों आयुष विश्वविद्यालय की, तो आयुष विश्वविद्यालय दोस्तों कहां पर, गोरखपुर में, ठीक है। वहीं बात कर ले दोस्तों लॉ विश्वविद्यालय की, तो लॉ विश्वविद्यालय कहां पर, प्रयागराज में, ठीक है। तो इस चीज से आपको समझ में आनी चाहिए। अगला है कि भारत का पहला प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र कारखाना दोस्तों कहां खोला गया है, तो मथुरा में दोस्तों। कहां पर, मथुरा में दोस्तों। और मथुरा में आपको पता है कि दोस्तों क्या है आपका, तेल संयंत्र कारखाना ना, तो दोस्तों याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी दोस्तों। आपको पता है कि सुरेश रैना ने दोस्तों संन्यास ले लिया था, थोड़ा प्राचीन समय हो रहा है दोस्तों, मगर याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन दोस्तों किस जिले में किया गया, याद रखेंगे, कहाँ पर, बाराबंकी में दोस्तों। आपको पता होगा बाराबंकी किसके लिए फेमस है, तो अफीम की खेती दोस्तों यहीं पर होती, क्या, अफीम की खेती दोस्तों, और अफीम की फैक्ट्री कहां पे है, तो दोस्तों याद रखना गाजीपुर। तो अफीम खेती दोस्तों कहां, बाराबंकी, अफीम की दोस्तों फैक्ट्री कहां पे है, तो गाजीपुर में, ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए अगला है कि हाल ही में योगी जी ने किस जिले में चीनी मिल का उद्घाटन किया है, जो कि गन्ने के रस के साथ सीधा दोस्तों इथेनॉल का उत्पादन करता है। देखिए इथेनॉल आपको पता है इस समय दोस्तों हमारे यहां
10% इथेनॉल का दोस्तों सक्सेसफुल वो कर दिया गया दोस्तों। आप देखते हैं जब आप पेट्रोल डालने जाते हैं वहां पे लिखा होगा दोस्तों I10 ना, इथेनॉल 10, E10, E10 मतलब दोस्तों यहाँ पे जो पेट्रोल डलवा रहे हैं उसमें दोस्तों इथेनॉल की 10% मात्रा मिलाई गई है, ठीक है। यानी अब जो पेट्रोल आता है वो मिक्सर आता है, उसमें 90% तेल होगा, पेट्रोल होगा दोस्तों, और 10% क्या होगा उसमें इथेनॉल होगा दोस्तों। ये कहाँ पे किया गया है तो गोरखपुर में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला है, देश का पहला ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट दोस्तों उत्तर प्रदेश किस जिले में लगाया गया दोस्तों, मथुरा में दोस्तों ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट लगाया गया, कहां पर, मथुरा में, ठीक है। चलिए अगला है कि 117 नंबर इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, क्या है कि पंडित छन्नूलाल मिश्रा ठुमरी के लिए जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दोस्तों दूसरा सर्वश्रेष्ठ ना पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 में दिया गया था वो किस घराने से संबंधित है दोस्तों, बनारस घराने से। किससे दोस्तों, बनारस घराने से, ठीक है। छन्नूलाल मिश्रा दोस्तों ठुमरी के लिए, ठीक है, चलिए याद रखेंगे। चलिए अगला है कि हाल ही में रैपिड रेल प्रोजेक्ट दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच चलाई जाएगी दोस्तों, इसके लिए ऋण कौन देगा, तो दोस्तों एशियाई बैंक देगी, एशियाई विकास बैंक ना, एशियाई डेवलप बैंक, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको देने वाली है लोन, ठीक है, रैपिड रेल प्रोजेक्ट दिल्ली से दोस्तों कहां मेरठ तक चलाई जाएगी, ठीक है। चलिए अगला है कि खेलो इंडिया के योजनागत तरीके से लैस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा साथियों, तो कहां पर किया जा रहा है, तो वाराणसी में दोस्तों, और बनारस में ही हमने बताया अभी क्रिकेट स्टेडियम भी अंतर्राष्ट्रीय बनाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान को दोस्तों वैदिक सिटी के रूप में निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, तो किस कहां पे दोस्तों, तो आपका गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में, कहां पर दोस्तों, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ दोस्तों वैदिक सिटी के रूप में इसका मतलब इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए साथियों अब देखिए आपको जाना कहां है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो दोस्तों ये देखिए आपको मिल जाएगा, ठीक है, UP SSSC क्लासेस दोस्तों, ठीक है, पेट के लिए आपको संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा, स्टैटिक GK मिल जाएगा, ठीक, वन रक्षक के लिए दोस्तों आप हिंदी पढ़ा दोस्तों इससे पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ पे पत्र लेखन भी हमने पढ़ा दिया है वन रक्षक और UP SSSC वीडियो के लिए। उसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं संपूर्ण हिंदी, ठीक है, और दोस्तों UP SSSL की क्लासेस आप यहाँ से ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों हमने पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो दोस्तों और इसके अलावा मैं बता दूँ कि अगर दोस्तों करंट अफेयर आप पूरा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक, 120 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो तक, ले जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, और कोई प्रॉब्लम है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।